हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। और यह हमारा 2020 का 8वां सेट है और इसमें हम ज़्यादातर फरवरी के सेकेंड वीक में हुए इम्पॉर्टेंट घटनाओं की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी जाती है और आपको अच्छी तैयारी भी करवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कृमि मुक्ति की शुरुआत किस शहर से की जाएगी। तो इसका जो शुरुआत किया जा रहा है ये सरायकेला से किया जा रहा है, सरायकेला। और यहाँ पर अगर मैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति की बात करूँ तो देखिए, भारत में कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है और ये दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। एक मनाया जाता है 10 फरवरी को और एक मनाया जाता है 10 अगस्त को। ओके, ये हम राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं। अब देखिए, कई जगह आपको आगे पीछे डेट्स मिल सकता है कि वो होता इसलिए है कि उस दिन से शुरुआत की जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितने भी बच्चे हैं 1 साल से 19 साल तक के बीच में, उनको दवाई बांटी जाती है। और इसमें क्या है कि सही समय, यानी कि 10 फरवरी या 10 अगस्त तक वो ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए क्या है कि ये पहले शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। और कभी कभार ये 10 से आगे भी 1-2 दिन बढ़ जाता है अगर उसे सभी जगह पे नहीं बांटा गया हो तो, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये साल में 2 बार मनाया जाता है। ये सभी स्कूल, सभी मदरसे, जहाँ भी मतलब जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, इकट्ठा होते हैं, उन सभी जगहों पर ये उपलब्ध करवाया जाता है। ओके, और वहीं अगर मैं राज्य की, ये अपने शहर की बात करूं सरायकेला की, तो इस सरायकेला शहर को बसाया गया था 1620 ईस्वी में, ठीक है, 1620 ईस्वी में। और ये बसाया था राजा विक्रम सिंह ने, राजा विक्रम सिंह ने बसाया था। और ये सरायकेला जो है, ये सरायकेला खरसावां के का हेडक्वार्टर है, सरायकेला खरसावां जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसका। और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि यह जो है एक खरकई नदी के किनारे स्थित है। तो ये सब चीज़ आप याद रखेंगे कि कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है और ये सब चीज़ें आपको किताबों में भी जल्दी नहीं मिलेंगी, तो आप अलग से इसको नोट बना के लिख लिया करें। और यहाँ पर देखिए, 8 फरवरी को इसमें यहाँ पर शुरुआत की गई है और ये 72 लाख बच्चों को क्या है कि इसमें कृमि से मुक्त करना है। आगे है कि झारखंड में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खोले जा रहे हैं। तो झारखंड में इस बार जो हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तो इन्होंने घोषणा करी है कि 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खोले जाएंगे। किसके? 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खोले जाएंगे। और यही ऐसा ही एक न्यूज सितंबर 2019 में आया था केंद्र सरकार के द्वारा। उनका कहना था कि 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खोलने की चर्चा उन्होंने करी थी, क्योंकि यहाँ पे अभी 1.6 लाख से भी ज़्यादा पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो होते हैं, ये खास करके पॉक्सो पॉक्सो एक्ट जो होता है, ठीक है, इसके लिए ये खास करके बनाए जाते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि जो चाइल्ड का प्रोटेक्शन है सेक्सुअल ऑफेंस के लिए, उसके तहत ये एक्ट बनाया गया था, 2012 में ये लागू हुआ था, ठीक है। और उसके तहत ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं ज़्यादा फैसला काम करती है, लेकिन उसके अलावे अन्य मामलों पर भी ये देखती है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जैसा इसको कहे। और ये जो है पॉक्सो, यहाँ पे पॉस्को लिखा है लेकिन ये पॉक्सो होगा, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, पॉक्सो, POCSO, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री एंड वुमन, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जिसके अभी मंत्री हैं स्मृति ईरानी और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो केंद्रीय मंत्री बनते हैं उसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बनते हैं, तो वो बने हैं देवाश्री चौधरी। चलिए आगे देखते हैं कि राज्य पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किसे स्ट्रांग मैन ऑफ झारखंड का खिताब मिला है, स्ट्रांग स्ट्रांग या फिर स्ट्रांगेस्ट मैन ऑफ झारखंड का खिताब मिला है इस बार 2020 में। ये मिला है अनूप कुमार को। किसे मिला है? अनूप कुमार को। और वहीं स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब जो है ये हेमा कुमारी को मिला है, याद रखेंगे आप, हेमा कुमारी। तो दोनों ही आप याद रखेंगे, स्ट्रांग मैन कौन बने हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन कौन बने हैं।
आगे है कि झारखंड में किसे मिस इंडिया यूनाइटेड नेशन 2020 के खिताब से नवाजा गया, मिस इंडिया 2020 सॉरी मिस इंडिया यूनाइटेड नेशन 2020। तो ये खिताब जो है, ये ताज जो है पहनाया गया एंजल मेरिना तिर्की को, एंजल मेरिना तिर्की को, ठीक है। और ये जो है झारखंड के रांची की हैं, रहने वाली हैं, और ये दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ था उसी के तहत इनको ये खिताब मिला गया मिला। और अब जो है वह मिस वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन में अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगी। आगे है कि झारखंड राज्य के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं, नए महाधिवक्ता झारखंड के कौन बने हैं, तो ये बने हैं राजीव रंजन, राजीव रंजन बने हैं नए महाधिवक्ता, ठीक है। और इससे पहले अजीत कुमार थे जिन्होंने अपने मन से इस्तीफा दिया था, और अब नए बने हैं राजीव रंजन। वहीं अगर मैं झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करूं तो ये अभी रवि रंजन है, कंफ्यूज नहीं होना, ये राजीव रंजन है और वो रवि रंजन है, इसीलिए मैंने आपको अलग अलग नाम समझा दिया है। आगे है कि 3 दिवसीय 17वीं झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट की शुरुआत कहाँ की गई, तो इसकी शुरुआत जो हुई है ये हुई है रांची में, ठीक है, रांची में। और इसमें क्या है कि जयपवन मैदान में 3 दिवसीय 17वीं झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट के उद्घाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है, इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है रांची में, ठीक है। देखिए रांची कैपिटल है, तो जितने भी इस तरह के होंगे प्रोग्राम्स होंगे, फेयर होंगे या फिर कोई मीटिंग्स होगी, तो 90% चांस है कि आप झारखंड रांची ही उसका आंसर होगा। जैसे कि अगर पूरे राज्य हम देश की बात करें तो वहाँ पे 70% तक चांस रहता है कि आप अगर नई दिल्ली टिक करो तो 10 में से 7 बार आपका सही होगा। वहीं अगर झारखंड में इस तरह की मीट्स की हम बात करें तो 10 में से 9 बार आपका सही होगा रांची, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख सकते हो, ये 7 से 16 फरवरी के बीच हुआ है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कंपनी से 50,000 से अधिक उत्पादों की प्रदर्शनी की गई थी, इसका भी आप ध्यान देंगे। आगे है कि झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये कई बार मैंने क्वेश्चन रिपीट किया है और इसका रीजन यही है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ महतो जामताड़ा के नाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये आते हैं। आगे है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म झरिया में किस पर्यावरणविद यानी कि एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं उनकी जीवनी को दर्शाया जा रहा है, तो ये जीवनी बनी है सिमोन उराव की और ये पद्मश्री से भी सम्मानित हैं, ठीक है, पद्मश्री से भी ये सम्मानित हैं और इसके निर्देशक हैं बीजू टोप्पो। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक, तो अब देखिए ये इंटरनेशनल लेवल का है तो कहाँ पे झारखंड में कहाँ हो सकता है, तो ये रांची में होगा, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपको 3 इस तरह के आयोजन बताए हैं और तीनों ही रांची में हुए हैं, तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको नहीं आता है, मान लो कोई भी इस तरह का मीट है और अगर रांची ऑप्शन में है तो आप टिक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है, नहीं पता है तो आप वहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादातर चांसेस सही होता है कि रांची आपका सही हो जाए और इसमें 200 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जो कि श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश आदि देशों से पहुँचे हुए थे। आगे है कि झारखंड में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में स्थापित की जाएगी, झारखंड में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो अब ये देखिए ये कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं है या फिर कुछ इस तरह का प्रोग्राम नहीं है, ये पार्क है तो ये कहीं भी बनाया जा सकता है, इसमें आप रांची टिक नहीं कर देंगे, ठीक है। रांची अगर हो जाए, जैसे कोई पार्क बन रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, तो वो जरूरी नहीं कि सब कुछ रांची में ही हो, जो अस्थाई चीज़ें होती है जैसे कि कोई मीटिंग हो गया, कोई खेल हो गया, कोई भी इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं तो वो रांची में हो, लेकिन पार्क क्या है कि ये अस्थाई चीज़ें हैं, अस्थाई चीज़ नहीं है, तो ये कहीं भी हो सकता है। तो देखिए ये बन रहा है हमारा कहाँ पे, ये बन रहा है देवघर में, तो इसमें ये नहीं कि कुछ भी है तो रांची, चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये देवघर में बन रहा है, ये चीज़ आप समझेंगे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और इसकी शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल 2020 से की जाएगी। आगे है कि झारखंड राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं राहुल कुमार पुरवार, राहुल कुमार पुरवार। नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड में किसे
25वां देवी शंकर अवस्थी समृद्धि सम्मान दिया जाएगा। झारखंड में किसे 25वां देवी शंकर अवस्थी समृद्धि सम्मान दिया जा रहा है? तो ये मिल रहा है राहुल सिंह को। राहुल सिंह को ये सम्मान दिया, और ये इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था विचार और आलोचना, उसके लिए इन्हें ये मिल रहा है। आगे है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रामाकांत सिंह को नियुक्त किया गया है, रामाकांत सिंह। और मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव जो है रामाकांत सिंह को सूचना और जनसंपर्क विभाग के निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, और उन्हें ये एक महीने के लिए नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे आप। तो ये मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव हैं, ठीक है, रामाकांत सिंह, उनको ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आगे है कि आदिवासी दर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? आदिवासी दर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 17 जनवरी को। नेक्स्ट है आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। इसके तहत सबसे अधिक गांवों को किस सांसद ने गोद में लिया? गोद में लिया मतलब गोद लिया, यानी कि गांव को उन्होंने अपनी गोदी में ले लिया। गोद यानी कि उसकी देख रेख का जिम्मा वो अपने सिर पे लेते हैं, और जो भी फंड वगैरह आते हैं उसको वो खुद से अपने हाथों से देखते हैं और जाते हैं और उस गाँव की तरक्की और देखते हैं कि कितना वो डेवलप कर रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा अर्जुन मुंडा ने किया है, लिया है। और देखिए ये इसकी शुरुआत जो है वो 2014 में हुई थी, और इसकी शुरुआत मोदी जी ने करी थी। जयापुर एक गाँव है जो कि वाराणसी की इनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसी के तहत आती है, तो यह लेकर उन्होंने किया था। और यहाँ पे झारखंड में भी इसकी शुरुआत हुई है, तो ये इससे सबसे ज़्यादा अर्जुन मुंडा ने 5 गांव गोद लिए हैं, और ये मैंने आपको बताया है कि 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे है कि राज्य में हिजला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राज्य में हिजला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दुमका में। दुमका में देखिए हिजला मेला का इतिहास मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हिजला मेला की जो शुरुआत हुई थी वो आपको बहुत पहले हो चुकी थी। ये 3 फरवरी 1890 में पहली बार ये मेला लगा था, और उसके बाद से कंटिन्यू मनाता चला आया जा रहा है, और ये 7 से 14 फरवरी के बीच मनाया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है इसको। आगे है कि कुंभ के रूप में प्रचलित राजकीय माघी पूर्णिमा मेला की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है झारखंड में राजमहल में, राजमहल में, याद रखेंगे आप। और इस मेले की शुरुआत जो है राजा मान सिंह के कार्यकाल में शुरू की गई थी, और इस मेले में बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा नेपाल से अधिक संख्या में लोग आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि 150 वाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है झारखंड में? तो ये किया गया है गैतल सूद डैम रांची में, गैतल सूद डैम। और ये जो डैम है ये सुवर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये रांची के ओर मांझी नामक एक जगह पे है, ठीक है। और यहाँ पर ये राज्य का पहला और अब तक का देश का सबसे बड़ा 150 मेगावाट सौर ऊर्जा वाला ये तैरता हुआ सोलर प्लांट है। नेक्स्ट है कि सोलर प्लांट लगाने के लिए अगर यानी कि यहाँ पे सोलर प्लांट जो यहाँ पे या फिर सोलर रूफ यहाँ पे लगाने के लिए बात हो रही है, तो इसके लिए झारखंड सरकार कितने रुपए का सब्सिडी देगी? तो झारखंड सरकार जो है इसके लिए 40% की सब्सिडी देगी, इसके लिए इन्होंने घोषणा करी है 40%, ठीक है। और इस सब्सिडी की राशि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से दी जाएगी, ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अगर आपको इसके मिनिस्टर का नाम पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे है सक्षम फिट अभियान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजन किया गया? सक्षम फिट अभियान एक प्रोग्राम है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये गेल यानी कि जिसे अंग्रेजी में हम GAIL लिखते हैं, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो उनके द्वारा ये शुरू की गई। और गेल के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके जो CMD है यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वो मनोज जैन है। आगे है कि प्राकृतिक चिकित्सा
राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्राकृतिक चिकित्सा। तो देखिए ये भी एक सम्मेलन है, एक अस्थायी चीज़ है, तो ये भी रांची में ही हुआ है, रांची में ही हुआ है या फिर किया जाएगा। अब देखिए ये क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा क्या होता है, जिसमें हम होम्योपैथी, उसके बाद आयुर्वेदिक, उसके बाद यूनानी, उसके बाद योगा, उसके बाद सिद्धि, जिसे हम आयुष कहते हैं एक तरह से, ये सभी जो है ना प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। और ये 2 दिवसीय 22 और 23 मार्च को आयोजित किया जाएगा। आगे कि झारखंड राज्य के नए विधेयकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? झारखंड राज्य के नए विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया रांची में, ठीक है, रांची में। नेक्स्ट है कि 11 फरवरी को तिलका मांझी की कौन सी जयंती मनाई गई? 11 फरवरी को तिलका मांझी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 270वीं। और इनका जन्म जो है वो 11 फरवरी 1750 को हुआ था। इनको इनका जबड़ा मांझी, सॉरी जबड़ा पहाड़िया जो है ना इनका उपनाम है, ठीक है, जबड़ा पहाड़िया। आगे है कि रांची रेल मंडल के किस स्टेशन को पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड स्टेशन बना दिया गया है? पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड स्टेशन बन गया है गोविंदपुर रोड, ठीक है, गोविंदपुर रोड ऑप्शन नंबर ए। रांची से आप कुछ दूर आगे जाएंगे तो आपको गोविंदपुर रोड का मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर आपको, अगर आप धनबाद से हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप धनबाद से एडवांस टिकट लेते हैं जिसमें 200 किलोमीटर का आपको टिकट का दिया जाता है, तो अगर आप लेंगे धनबाद से तो आपको रांची का ना देके वो आपको बोलेंगे कि आपको 200 किलोमीटर लेना होगा, तो आप गोविंदपुर रोड का ही आपको टिकट मिलता है। तो ये स्टेशन आप चाहें तो घूम के भी आ सकते हैं अगर आप धनबाद के, क्योंकि मैं धनबाद में रहता हूँ तो मुझे पता है ये चीज़ कि ये मैं गया तो नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने कई बार टिकट ली है वहाँ तक के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रांची धनबाद से 165 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहीं 35 किलोमीटर आप अगर आप रांची स्टेशन से आगे जाते हैं तो वो आपको गोविंदपुर का मिलता है, ठीक है। और ये जो है रांची और राउरकेला मंडल के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुल 25 क्वेश्चन हैं जो समाप्त हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, PDF भी डाउनलोड कर रहे हैं, PDF के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में लेना चाहूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।